हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेसर्स एमआर इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गाँव में है। आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंपनियों ने नगर व ग्राम नियोजन विभाग यानी कि DTCP के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। इसकी वजह से न केवल लोगों को बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था। 6 साल पहले गुड़गांव में 1417 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने हुड्डा के रोहतक स्थित घर के अलावा दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और मोहाली में विभिन्न बिल्डर्स के 20 से ज़्यादा परिसरों पर छापे मारे थे। गुड़गांव के सेक्टर 58 से 63 और 65 और 67 में भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितता की जांच सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को सीबीआई को सौंपी थी। केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स एमआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड और 14 अन्य क्लोनाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मामला अलग अलग जमीन के मालिकों, आम जनता और हुड्डा के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है। इसमें भूमि अधिग्रहण नियम 1894 की धारा 4 और बाद में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करवाई गई। इससे जमीन मालिकों को अपनी जमीन इन क्लोनाइजर कंपनियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो ऐसे में बड़ी खबर यह है कि चुनाव के बीच ईडी ने शिकंजा कसा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और उनकी कई संपत्तियों को जो है वो कुर्क कर दिया गया है। इसके अलावा ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस साल जनवरी महीने में मानेसर लैंड डील केस में चंडीगढ़ में 7 घंटे पूछताछ की थी। ईडी ने 2004-07 के दौरान हुए गुरुग्राम के 1500 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में हुड्डा को नोटिस भेजकर ईडी मुख्यालय बुलाया गया था। तो चुनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरा गया है, ईडी ने उन पर शिकंजा कसा है, उनकी 834 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर होती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।